हाय फ्रेंड्स, वन सेकंड वेलकम बैक टू नूली एंटरप्राइज फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, चलिए आज आपके लिए कुछ वीडियो लेके आ चुके। तो बहुत बोले थे हम बैक टू बैक बहुत सारे वीडियो लेके आ गए बोल के, लेकिन कुछ काम की वजह से, कुछ एग्जीबिशन की वजह से हमको यहाँ पे वीडियो डालना टाइम पे नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, अभी बहुत दिन पहले से मेरे पास कुछ कंट्रोलर्स पड़े थे न्यूट्रल कट के, वो भी सिंगल कलर के। अगर आप 12 वोल्ट के पिक्सल का डिमांड तो बहुत चल रहा है, आप देखा होगा, क्योंकि पिक्सल बहुत सस्ते मिल रहे हैं। मैं ऑफर, जो लोग ऑफर ले उनको ऑफर में तो बहुत ही सस्ता, मैं 49 रुपीज में भी पिक्सल लिया था 5 इंच का सिंगल कलर का, और बहुत कुछ ऑफर थे। ऑफर अभी खत्म हो चुका है, जब ऑफर रहेगा तब भी लो फ्रेंड्स, बाद में आप कॉल करके ऑफर के बारे में मत पूछिए। तो आज हम आपको कंट्रोल दिखाएंगे, 12 वोल्ट का 16 चैनल का भी जाएगा, 10 चैनल को आएगा, 20 चैनल को भी आएगा। तो 16 चैनल का यूज करके आप, अगर लोअर सीलिंग बढ़ रहे 3D में, रोड सीलिंग 3D के लिए बोल रहा हूँ, चाहे तो आप बिल्डिंग के लिए भी लगा सकते हो। 1, 2, 3, 4 ऐसे n नंबर ऑफ कंट्रोल सब सिंक्रोन कर सकते हो 12 वोल्ट के लिए। उसमें डिमांड क्या था कस्टम लोगों का, तो कुछ कस्टमर का भी डिमांड था, क्योंकि हम तो न्यूट्रल लेफ्ट राइट जा रहे से बरबर, लेकिन उनको सीलिंग लगाने के बाद लेफ्ट राइट और अप डाउन बोल तो न्यूट्रल कट होना चाहिए, जैसे जो उसकी लेफ्ट टू राइट भी जाना चाहिए और आगे पीछे भी होना चाहिए। तो कुछ मैं यहाँ पे सेटअप बना रहा था, तो बारिश की वजह से बहुत बार ट्राई किया कि पूरा सेटअप लगा के दिखाऊं, क्योंकि बहुत लेंदी हो चुका है, ऐसे खींचते खींचते इतने दिन डाल नहीं पा रहा था मैं। तो अभी चलिए, मैं यहाँ पे सेटअप लगाया मैंने बाहर एक छोटा सा, वो 12 वोल्ट का कनेक्ट करना है, कैसा करना है क्या करना है अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वहां पे बता दूंगा। पूरा सेटअप लगा रहा हूँ छोटा सा, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर लगा है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता चलेगा, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, सोच के लगा दो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा, डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे आप सब। तो अगर आपको सपोर्ट चाहिए, नंबरिंग कैसे करना है, दूसरों का भी कंट्रोल लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कैसा DMX नंबर करना है क्या करना है सब मैं दिखा दूंगा यहाँ पे। तो चलो फ्रेंड्स, वहां पे देखेंगे। उसके बाद अगली बार मैं क्या करूंगा, मेरे पास कुछ वाईफाई कंट्रोल्स, मेरे खुद का ब्रांड से बन के रेडी वाईफाई कंट्रोल्स, लेकिन डालने के लिए टाइम नहीं मिल रहा फ्रेंड्स, और एकदम सिंपल है, मेरा पासवर्ड भी यूनिक रहेगा सबका बोलूंगा। तो इसके अंदर क्या ना, आप 10 का मांगे हाइट में, 10 का आगे कितना भी लो, 10x60 लो या 10x120 लो या 10x180 लो, 2000 बल्ब तक सपोर्ट करेगा, ये सब चलेगा उसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर लिमिटेशन रहेगा कि आप डिजाइन नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हम जो डिजाइन डाल के देंगे यूनिक वाला वही चलता रहेगा। उसके बाद और है कि आप खुद भी डाल सकते हो, बिना मेमोरी कार्ड भी आप खुद डिजाइन बना के डाल सकते हो, उसका प्रोसेस अलग है, मैं बाद में बता दूंगा। नहीं तो आप मेरे से फाइल मांगा के आप डिजाइन अपडेट कर सकते हो, जो चाहे वो डिजाइन, ऑल इन वन कंट्रोल रहेगा, बिना SD कार्ड का ऑल इन वन कंट्रोलर मार्केट में किसके पास भी नहीं रहेगा, ये हमारे पास ही। इसका वीडियो डिटेल वीडियो में आएगा तो तब आपको पता चलेगा। इसके अंदर आप चाहे तो आपका ब्रांड से भी, अगर बल्क क्वांटिटी रहेगा, जैसे आप हमारा ब्रांड दिख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपका ब्रांड प्रिंटिंग करके चाहिए तो वो भी मिल जाएगा इसके अंदर, हर कंट्रोल के अंदर क्वांटिटी रहना चाहिए बस उसके अंदर, एकदम रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब बता दूंगा। उसके साथ साथ SD कार्ड का भी फीचर से आप खुद की LED बिल्ड में डिजाइन बना दो, आप छोटा वाला माइक्रो SD कार्ड डाल दो यहाँ पे और चला दो, जो डिजाइन चाहिए वो डिजाइन चलो। अगर कार्ड भी फेल हो रहा है तो आप इन बिल्डेड इसके अंदर डिजाइन है वो चलने वाला है। आप बोलते लेते से हम बोलना चाहिए आपको तोरण का चाहिए क्या बिल्डिंग का चाहिए, वो डाल के दे देंगे उसके अंदर इन बिल्डेड, और SD कार्ड में जो प्रोग्राम डालेंगे वो चलने वाला है फ्रेंड्स। और ये सब कंट्रोलर्स एकदम रीजनेबल प्राइस में जाएगा, T1000 कंट्रोल जो आप यूज करें मार्केट, उससे भी सस्ता मिलेगा, उससे भी ज्यादा फीचर से, वाईफाई आप एनी लैंग्वेज सपोर्ट करेंगे, सब पूरा डिटेल्स जब वीडियो बनाऊंगा तब बता दूंगा। अभी तो हम फोकस करते हैं 12 वोल्ट का न्यूट्रल कट कंट्रोलर्स के ऊपर, DMX वाला। तो देखते बाहर जाके कैसा चल रहा है क्या चल रहा है। जैसे अभी यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे कंट्रोल लगा हूँ 16 चैनल का है, लेकिन एज पहले इसमें से मैं 10 चैनल ही यूज करने वाला हूँ। ये जितने भी कंट्रोलर्स दिख रहे हैं ये 16 चैनल के कंट्रोलर्स थे मेरे पास, ठीक है। तो इसमें 10 चैनल, अगर आपको 16 चाहिए 16 भी यूज कर सकते हो, वो बोलना पड़ेगा, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे फ्लैश मेमोरी में प्रोग्राम डाल के दूंगा, उसके हिसाब से चलेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 1, 2, 16 का बल्ब से यहाँ पे भी आपको इफेक्ट्स पता चलने वाला है, ये ऐसे भी भागने वाले और एक दूसरे कंट्रोल भी ऐसे लेफ्ट राइट भी जाने वाला है और दाएं बाएं भी चलेगा, लेफ्ट राइट अब और साइड बाय साइड भी चलने वाला है। तो चलो देखते हैं इसको अभी ऑन करके। तो यहाँ पे देख सकते हो नंबरिंग है इसका, ठीक है। तो अगर कौन सा किधर, अगर सब किसी को भी मास्टर बना सकते, किसी को भी स्लू बना सकते, ऐसा कुछ नहीं, मास्टर के लिए एक कंट्रोल लेना पड़ेगा, स्लू के लिए दूसरा लगाना पड़ेगा। ये अगर फेल हो रहा है आपका, देखिए मैंने ये फेल हुआ था, मेरे साइड में निकाल के रखा हूँ और इतना ही कंट्रोलर्स यहाँ पे लगा के, एक्चुअली मैं बाहर लगाने वाला था, बारिश बहुत तेज चल रहा है इसलिए मैं यहाँ पे अंदर के साइड में एक सेटअप दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको ऐसा DMX करना है, DMX करने से पहले आपको नंबरिंग का बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैंने दो नंबर के ऊपर जो स्विच है ना,
नीचे के साइड में रहेगा तो ऑफ, जीरो है, ऊपर में लगे तो ऑन है। तो मैं देखिए मैं दो नंबर का स्विच ऑन किया, तो ये मेरा कंट्रोल दो नंबर का होगा। सब नीचे रहेगा तो मास्टर हो जाएगा, जीरो जीरो रहेगा, सब नीचे रहेगा तो मास्टर कंट्रोल हो जाएगा। तो इसको आगे एक दो डीएमएक्स करते जाना है आपको। तो यहाँ पे अभी मैं कुछ यहाँ पे लगा रहा हूँ कंट्रोल, 15 नंबर को मैं मास्टर कर चुका हूँ, सिक्वेंस आगे पीछे हो चुका है मेरा। तो आप किसी को भी इस कंसेप्ट में वो पता चला, किसी को भी आप मास्टर बना सकते हो, तो किसी को भी स्लेव बना सकते हो। और यहाँ पे पत्ता बनाने का भी तरीका, अगर आप नॉर्मल जैसे हम तोरण बनाते हैं ऐसा बनाएंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल कट होने वाला है। क्योंकि एक कंट्रोल जो बिल्डिंग के लिए अगर बनाते ना, ऐसा लगाना है इसको। यहाँ पे देखिए तो ऐसे इतना पूरा सारा वायर लगाना पड़ता है इसको, एक लड़ी के लिए, एक तोरण के लिए। यहाँ पे नंबरिंग रहेगा, ऐसे आप नंबर डाल दो, ठीक है, नंबर्स मिलते हैं मार्केट में, तो आप मेरे से परचेज कर सकते हो, 1 2 3 4 ऐसा। यहाँ पे मैं 16 लगाया, लेकिन मेरे 16 का लड़ी बनाया था, लेकिन मैंने इसके अंदर जो प्रोग्राम डाला है वो 10 का डाला है, तो 10 लाइन ही चलने वाला है मेरे यहाँ पे। अगर आप चाहे तो और आपको 20 लाइन चलाना है, 10 इधर वापस जो 11 नंबर का एक नंबर पे डाल के डबल डबल डाल के भी चला सकते हो फ्रेंड्स, तो वो भी फीचर इसमें मिलने वाला है। तो ऐसा लड़ी बनाना है फ्रेंड्स आपको, एक नंबर के ऊपर जो एक नंबर का जो लाइन जाएगा, एक नंबर लड़ी को जाएगा ये वाला, दो नंबर का दो नंबर लड़ी को। ऐसा आप चाहे तो मल्टी कलर में भी बना सकते हो, सिंगल सिंगल कलर यूज करके, चाहे तो मैं तो यहाँ पे रिकमेंड करूंगा एक ही कलर का बना दो इसमें, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर जितने भी लगेगा ऐसा सीरीज में, ये सब लगा के 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे वायर लगा दो और इसको डीएमएक्स कर दो। तो जैसे यहाँ पे लेफ्ट राइट चलेगा तो यहाँ पे डिजाइन आपका आगे पीछे होने वाला है, और जो ऑल कंट्रोल सिंक्रोन होके आगे पीछे जो ऐसे चलेंगे तब आपका दाएं बाएं चलने वाला है। तो चलो इसको चालू करके देखते हैं। इसको सब पूरा 12 वोल्ट के ऊपर चल रहा है, न्यूट्रल कट है, और पॉजिटिव का वायर देख सकते हो, ये वाला पॉजिटिव का वायर है। तो ऑन करने के बाद देखिए सब मेरा कंट्रोल आपस में सिंक्रोन हो चुका है। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे सब चल रहा है, लेकिन मेरा सब ऑफ है क्योंकि न्यूट्रल कट है। जब मैं पावर वहां पे दूंगा, आप जो देखिए पॉजिटिव लाइन आपको डायरेक्ट एसएमपीएस में देना है। देखिए जैसे मैंने एसएमपीएस में पॉजिटिव लाइन दे दिया, ये देखिए मेरा पूरा कंट्रोल चलना चालू हो चुका है। देखिए इस साइड से मैं दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगी। देखिए अभी लेफ्ट राइट जा रहे हैं सब, ऐसा सब कंट्रोल्स, और आगे पीछे भी होगा। जब इसका इस ये वाला इफेक्ट खत्म होगा तो कंट्रोल सिंक्रोन होते जाएंगे, ऐसा देखते वो भी हो जाएगा। और यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर स्पीड एडजस्ट वगैरह करना है वो भी दिखा दूंगा मैं आपको, स्क्रू ड्राइवर से छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर घुमा के दिखाऊंगा यहाँ पे। देखिए अगर आप मैं यहाँ पे मास्टर जो स्लीव है इसको घुमा रहा हूँ, देखिए इसमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए इसको घुमाओ, चाहे तो ये कंट्रोल को घुमा के देखिए, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है क्योंकि अभी सिंक्रोन हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। तो मास्टर में जो मैं चेंजेस करूंगा वो सब कंट्रोल के अंदर होगा। अभी देखिए मैंने यहाँ पे ये जो मास्टर कंट्रोल है, मास्टर कंट्रोल में स्पीड देखिए अभी, और स्लो भी वही स्पीड चल रहा है, देखिए सब में वही स्पीड चल रहा है। तो मैं यहाँ पे घुमाऊंगा, देखिए कट ही हो गया इसका, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं यहाँ से घुमा के दिक्कत है आपको, देखिए इसका स्पीड मैं थोड़ा चेंजेस कर दिया तो सब में चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ से आप इसको घुमा के स्पीड आपको जितना चाहिए उतना स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है 12 वोल्ट है तो हाथ से भी घुमा के स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो फ्रेंड्स। देखिए स्पीड का हो रहा है, अभी इफेक्ट्स भी इसके अंदर जब सीलिंग में लगाएंगे तब आपको एकदम क्लियरली इसका इफेक्ट दिखेगा फ्रेंड्स। देखते हैं यहाँ पे और थोड़ा घुमा के इसको, कट ही हो गया तो थोड़ी दिक्कत आएगा। हाँ चलो घूम रहा है, देखिए स्पीड बढ़ गया मैंने इसमें, तो देखिए सबका स्पीड बढ़ गया, देखिए कितना फास्ट चल रहा है अभी। देखिए तो स्पीड बढ़ाया तो मैं स्पीड में पूरा इफेक्ट चल रहा है मेरा इसका। मैं देखिए बल्ब देखिए क्योंकि इफेक्ट्स एकदम क्लियरली आपको पता चल रहा है। तो स्पीड में कम करूंगा तो अभी यहाँ पे दिख रहे हैं आप, देखिए लेफ्ट राइट में सब डिजाइन चल रहे हैं, वेव वगैरह सब दिखेगा इसके अंदर, ठीक है। तो कंट्रोल्स भी आगे पीछे भी होने वाले सिंक्रोन करके, दो दो पट्टे तीन तीन पट्टे बहुत सारे इफेक्ट्स इसके अंदर फ्रेंड्स। तो अभी मैं स्पीड कम करके भी दिखाता हूँ यहाँ से, इसी को आपको घुमाना है। खाली मास्टर में आप जो चेंजेस करेंगे
तो सब में चेंजेस होने वाला है। अब स्लू जितना भी चला दो स्लू में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए मैंने यहाँ पे स्लो कर दिया अभी थोड़ा, तो ये जो स्लो है ये सब स्लो में स्लो हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे स्लो कर दिया तो देखिए पूरा डिजाइन स्लो चलना चालू हो चुका है। तो वापस मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, आपको जो स्पीड चाहिए आप स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो। एक 5-6 सेकंड लग सकता है सिंक्रोन होने में सब एक साथ, तुरंत तो घुमाने का फास्ट नहीं होने वाला है। तो अभी देखते हो वापस घुमा के स्पीड बढ़ा देंगे तो आपको इफेक्ट पता चलेगा। देखिए मैंने स्पीड बढ़ा दिया यहाँ पे, देखिए स्पीड बढ़ गया पूरा, देख सकते हो आप। बहुत कुछ इफेक्ट्स है फ्रेंड्स इसमें, तो हो सके तो मैं ट्राई करूंगा और एक वीडियो बनाने के इसके अंदर, तो उसमें और भी आपको पता चलने वाला है। अगर आप पट्टा वगैरह खराब भी होगा बंद भी पड़ेगा कंट्रोलर, तो एक ही कंट्रोल बंद रहेगा, रिमेनिंग सब चालू रहेगा, उसका ये भी सिंक्रोन भी चला रहेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी देखिए 2 नंबर का बंद करके देखा मैंने यहाँ पे बल्ब वगैरह कुछ यहाँ पे तो ऑफ हो गए उसके बाद। तो आगे देखिए ये एक ही बंद हो चुका है मेरा यहाँ पे, इसमें पावर है तो डीएमएक्स भी, तो आगे का कुछ फर्क नहीं पड़ा है। देखिए एक ही लाइन बंद रहेगा मेरा, रिमेनिंग सब चालू है। तो अगर एक कंट्रोल बंद, सॉरी एक कंट्रोल आपका बंद पड़ेगा तो आपका आगे का कुछ बंद नहीं पड़ने वाला है, रुकने नहीं वाला है, और डेटा लॉस होने का वगैरह चांसेस उसमें कुछ भी नहीं फ्रेंड्स। तो बहुत कुछ इफेक्ट्स है फ्रेंड्स, तो लेंदी वीडियो हो रहा है बहुत, तो और एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा। अगर ये कंट्रोलर चाहिए इसको पूरा मैं डब्बे के अंदर डाल के, तो इसके लिए मेटल बॉक्स जो आता है मेरे पास मेटल बॉक्स है और 12 वोल्ट का भी है, मैं आपको एक डब्बी दिखा देता हूँ, तो उसके अंदर भी ये कंट्रोल पूरा डाल के दे दूंगा मैं आपको। जितने भी कंट्रोल्स यहाँ पे देख रहे हैं ये कंट्रोल्स बैठेगा और उसके अंदर वो SMPS भी बैठ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। वो SMPS भी ऐसा वाला बॉक्स के अंदर डाल के आपको पूरा रेडी सेटअप चाहिए तो रेडी सेटअप मिल जाएगा इसके अंदर। एक कंट्रोल के अंदर आपका SMPS इजीली बैठ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका कंट्रोल बैठ जाएगा। और बॉक्स के साथ चाहिए बॉक्स के साथ भी आपको ऐसा वाला बना, यहाँ से पूरा आपको आउटपुट निकाल के DMX के लिए भी निकाल के पूरा रेडी सेटअप भी मिल जाएगा। अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो रॉ मटेरियल भी आप ले सकते हो फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना बताना था आपको। अगर ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, तो आने वाला बहुत सारे वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे। चलो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।